राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, लेकिन कांग्रेस ने इसके बाद एक और अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की थी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शामिल हुए थे। बैठक में फैसला किया गया था कि आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों से संपर्क किया जाएगा। बाद में सभी राज्य मुख्यालयों पर बड़ी रैली होगी, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का फॉलोअप होगा। अभियान 2 महीने तक चलेगा। गौरतलब है कि 26 जनवरी से देश भर में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस अभियान में कांग्रेस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के मैसेज लेकर जनता तक जाएगी। पॉजिटिव में कांग्रेस का काम, राहुल गांधी की यात्रा और कांग्रेस सरकारों का काम शामिल होगा, जबकि नेगेटिव में कांग्रेस बीजेपी के कामों की आलोचना करेगी।